चार में से तीन मामले में तो अब तक बरी हो गए सलमान खान, लेकिन ये चौथा मामला दोषी करार दे दिया गया है उन्हें। हालांकि हाई कोर्ट में जाकर ही पहले वाले केसेस में भी वो बरी हुए थे, तो यहां से राजस्थान हाई कोर्ट में जाने का उनका रास्ता साफ है। वहां पर क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया फिर है। देखिए, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। 1-2 अक्टूबर की रात 1998, दो दशक 20 साल जानवरों के शिकार का मामला, और अब जाकर उसमें इंसाफ आया है। अभी तो आगे कई एक लंबी प्रक्रिया है, इन चारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि अब यहां से बरी होने के बाद इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। अब कोर्ट क्या सरकारी पक्ष इनके खिलाफ आगे जाता है नहीं जाता है, लेकिन इन सब के बीच अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इन चार केसेस में 20 साल का वक्त लग गया है, और 20 साल बाद आज सीजेएम कोर्ट से जोधपुर में यह फैसला आया है। दो काले हिरण के शिकार के मामले में जो दलीलें कोर्ट की तरफ से दी गई वो हमने आपको दिखा दी है, जो दोनों वकीलों ने सजा कितनी हो उस पर दलील दी है वो भी हमने आपको बता दिया। मुख्य तौर पर दलील यही है सलमान खान के वकील की कि वो अच्छे इंसान हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और इसलिए कम से कम उन्हें सजा हो, 3 साल से कम की होती है तो फॉरेन सस्पेंशन हो जाता है 1 महीने के लिए, यानी 1 महीने का उन्हें आराम से मोहलत मिल जाने की वजह से फिर वो स्ट्रैटेजी रणनीति उनके वकील बना सकते हैं। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, शरद ने बताया कि 1:30 बजे के लिए लंच ब्रेक होता है, तो उम्मीद यही लग रही है कि उससे पहले ही फैसला आ जाएगा। बिल्कुल अंजना, काफी उम्मीद के साथ अभी इस वक्त को देखा जा रहा है कि 1:30 बजे से पहले पहले ये फैसला आ जाए, क्योंकि सलमान के वकील अपनी तरफ से दोनों ही केसेस को लेकर, दोनों ही विकल्पों को लेकर तैयारी कर चुके हैं, जमानत की स्थिति में भी, और अगर कागजों की कार्रवाई और जिनको जमानत के लिए अरेंज करना है जिन दो लोगों को, ये सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो बस इंतजार इसी बात का है कि अब जज साहब फैसला अगर दे दें तो उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग्स पर बढ़ा जाए। लेकिन अब यहाँ से ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 साल को लेकर जो बात अटकी हुई है उस पर तस्वीर क्या साफ होगी। अब शरद, आप कुछ और नई इन्फॉर्मेशन जुटा पाए? जज साहब वापस अपने चैम्बर में आ गए, चैम्बर से वापस कोर्ट रूम में बैठ गए हैं जज साहब, और जो उनके वकील हैं वो खड़े हैं, और जज साहब कुछ कागज है उसे पढ़ रहे हैं अभी, और लगातार सरकारी वकील और उनके दोनों वकीलों को बुलाकर आपस में बात कर रहे हैं। ये प्रक्रिया करीब 10 मिनट से चल रही है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब आधे के घंटे के अंदर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो अनाउंस किया जा सकता है, अगर लंच से पहले लेकिन ये फैसला आ जाए। हाँ, ऐसा जब जज साहब जिस तरह से बैठे हुए हैं, अगर कोई तकनीकी कारण उसमें नहीं आए, कुछ तकनीकी कारण जिसे दोनों वकीलों से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो वो बातचीत में वो अपना अपना पक्ष दे रहे हैं। ये एक इनफॉर्मल सुनवाई जब खत्म हो जाती है उसके बाद क्वांटम सुनाने से पहले एक प्रक्रिया होती है जो चल रही है, अगर इसमें वक्त लगता है और टेक्निकल चीज़ों के बीच कोई बहस होती है तो हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, लेकिन अभी भी करीब 1.25 घंटे का समय है, तो मुझे लगता नहीं कि 1.25 घंटे तक जज साहब इंतजार करेंगे। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो हाथ के हाथ जो पुलिस वाले मौजूद हैं कोर्ट रूम में वो उनको हिरासत में लेंगे, वहां से सीधे सेंट्रल जेल उनको ले जाया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही अगर 3 साल से कम सजा होती हो तो वो कहेंगे कि सेंटेंस सस्पेंडेड, जस्ट एक लाइन बोलते हैं सेंटेंस सस्पेंडेड, और उनके जो वकील हैं पिछले 1 घंटे में वो सारा कागज तैयार कर चुके हैं, जमानती वहां मौजूद हैं, वो जमानत मुचकले भरेंगे और सीधे वहां कागज रख दिया जाएगा, और जज साहब जो है वो 2 साल की सजा हुई है। कुछ यहाँ पर अभी बड़ी खबर आ रही है, इनपुट्स मिल रहे हैं सजा को लेकर, दो साल की सजा की बात कर रहे हैं, 2 साल की सजा हुई है, इसका मतलब सस्पेंस जो है सस्पेंडेड है, जो सेंटेंस है वो सस्पेंडेड है, 2 साल की सजा हुई है। मैं आपको बता दूं, 2 साल की सजा हुई है, इसका मतलब हाथ के हाथ सलमान खान को अभी जमानत मिलने जा रही है, सलमान खान यहां से निकल सकते हैं, अब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, जो जमानती वहां दो बुलाए गए थे वो दोनों जमानती अपना जमानत मुचलका भरेंगे, और मुचलका भरने के बाद वो सलमान खान यहां से निकल सकते हैं। सलमान खान के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है मीनाक्षी कि 2 साल की सजा हुई है, जो कहा जा रहा था कि वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी अपराध नहीं करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, वो अपर कोर्ट में बरी हो चुके हैं, ऐसे मामले को जज साहब ने गंभीरता से लिया है, उनको 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में जेल नहीं जाना होगा, जेल अब जाने की तैयारी नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े लगेज लेके आए थे, सूटकेस लेके आए थे वो वापस जा सकते हैं, सलमान खान
सलमान खान के चेहरे पर थोड़ी सी राहत खुशी होगी, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे कि सलमान खान के वकील को पहले से इस बात का अंदाजा था, तभी दो जमानती जो सलमान खान के वकील के घर काम करते हैं, जो स्थानीय जरूरत होती है, जोधपुर के नागरिक, उन्हें बुला लिया गया था, कागज तैयार करा लिया गया था। और जैसा मैं आपको हमने कहा कि आप 10 मिनट हो गए जज साहब दोनों वकीलों से बात कर रहे हैं और किसी भी वक्त वो फैसला सुना सकते हैं, और उन्होंने फैसला सुना दिया कि 2 साल की सजा हुई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।